में ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलन, आज से राष्ट्रीय अध्यक्षों का पहुंचना जारी, किले में तब्दील हुआ गोवा। शिखर वार्ता के दौरान भारत रूस के बीच 40,000 करोड़ के रक्षा समझौतों की उम्मीद, हो सकते हैं 18 करार। इस सम्मेलन में पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति को जारी रख सकते हैं पीएम। पाकिस्तानी सेना ने पश्तूनों पर किया हमला, भागते पश्तूनों पर हवाई अटैक, पश्तूनों ने बयां किया दर्द। अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को लगाई फटकार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनो ने कहा आतंकी संगठनों पर करे कार्रवाई। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को दी धमकी, नए अंदाज से फिक्सिंग को लेकर चल रहा है शाहिद का विवाद। दाऊद ने आफरीदी को कहा मुंह बंद रखो वरना अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार, नए अंदाज का समझी है दाऊद। श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर जकूरा के पास एसएसबी के काफिले पर आतंकी हमला, हमले में एक जवान शहीद, 8 जख्मी। हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकी, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, आज घटनास्थल का दौरा करेंगे एसएसबी के डीजी। आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली हमले की जिम्मेदारी, मुश्ताक अहमद जरगर है संगठन का मुखिया, कंधार कांड में छोड़ा गया था। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, गांव वालों से जुटा रहे थे बीएसएफ की जानकारी। गिरफ्त में आए संदिग्धों के नाम श्रवण और सुरेंद्र, बीएसएफ की जानकारी के लिए गांव वालों को किए थे 25 लाख की पेशकश। कांग्रेस वर्कर की पिटाई के आरोप में आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार, दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक है बालियान। बालियान के खिलाफ उत्तम नगर थाने में दर्ज हुआ था केस, जमानत पर रिहा हुआ बालियान। विधायक बालियान की तरफ से भी शिकायतकर्ता हेनरी जॉर्ज के खिलाफ दर्ज कराए गए क्रॉस एफआईआर, जॉर्ज को भी मिली जमानत। दिल्ली सरकार और एलजी नजीब जंग के बीच एक बार फिर ठनी, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एलजी से वापस मांगी समीक्षा के लिए ली गई 400 फाइल। एलजी ऑफिस ने बयान जारी कर किया पलटवार, कहा फाइलों की सच्चाई सार्वजनिक होगी तो इसे छिपाने की असल वजह आएगी सामने। एलजी के मुताबिक कुछ फाइलों में गंभीर गड़बड़ियां मिली, सीबीआई जांच की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू। आपने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बीजेपी कांग्रेस के 35 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की, छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा हिमाचल में नियुक्त है संसदीय सचिव। गुजरात दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा शाह और बीजेपी उनकी सभा बाधित करने के फिराक में। मेहसाणा में केजरीवाल ने पाटीदार आंदोलन के पीड़ितों से की मुलाकात, इंसाफ की रखी मांग। हार्दिक पटेल ने पाटीदार समाज से केजरीवाल के समर्थन की अपील की, कहा आंदोलन का समर्थन करते हैं तो दे उनका साथ। अपने कार्यक्रम टॉक टू एके को लेकर बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें, संवाद के बहाने राजनीतिक हित साधने का आरोप, एलजी ने दिए जांच के आदेश। कांग्रेस के हाथों से खिसक सकती है उत्तराखंड की सत्ता, कांग्रेस के 26 से 31 सीटों तक सिमटने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माइंड सर्वे का अनुमान, उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती है 38 से 43 सीटें। यूपी में 170 आईपीएस अफसरों का तबादला, 2 दर्जन जिलों के पुलिस प्रमुख बदले गए। समस्तीपुर में जूलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, फायरिंग में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म, युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित युवती और उसकी मां के ही काट दिए बाल, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरा के पीरों में ताजिया जुलूस के दौरान शुरू हुआ उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा, शुक्रवार को भी कई इलाकों में हिंसा, आगजनी। उपद्रवियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग, प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक, जिले के सभी स्कूल बंद। दिल्ली के मेहरौली गुड़गांव रोड के टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ की जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मारपीट में कई कर्मचारी घायल, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह लूटे 33 लाख रुपए कारोबारी के कर्मचारी से छीना बैग। दिल्ली में लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, सामान से लदे ट्रक लूटते थे आरोपी। दिल्ली में ठक ठक गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 17 साल से लेकर 70 साल तक के 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के पहाड़गंज में 45 साल की महिला की अपने घर में जलकर मौत, मायके वालों ने पति और बेटे पर लगाया आरोप।
दिल्ली के पीतमपुरा में एक घर से गहने और कैश लूट ले गए बदमाश। 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था पूरा परिवार। ऋषिकेश में एक कपड़ा व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत। एक तांत्रिक की दी दवा लेने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। ठाणे में युवक की जेब में फटा मोबाइल। हादसे में जख्मी हुआ युवक। यूपी के अमरोहा में रफ्तार का कहर। मंत्री के बेटे की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जलाया। 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में चुनावी रंजिश में दबंगों ने 2 युवकों को जिंदा जलाया। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गांव के ही कुछ लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। इंसाफ के लिए धरने पर बैठी बहन। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के हरदेई में आशा बहू का काम करने वाली महिला की हत्या। गांव में रहने वाले प्रेमी पर शक। यूपी के संभल में 2 मंचलों की जमकर धुनाई। एक महिला के साथ अश्लील बात करने से आरोप में गुस्साए लोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नाती विक्की मांझी शराब के साथ गिरफ्तार। गया पुलिस ने शराब की 2 और बियर की 12 बोतल जब्त किए। सोनीपत के बिदलान गांव में सरकारी स्कूल में 10वीं के छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या की। बेंच पर बैठने को लेकर हुआ था झगड़ा। मुक्तसर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास पर देने जा रहे थे धरना। दिल्ली कैंट में इस बार बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ा रावण। अब तक नहीं हुआ रावण दहन। बीजेपी नेता और एनडीएमसी उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाया आरोप। वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। कोमो के पास शिवलिंग चोटी पर फंसे पोलैंड के एक पर्वतारोही को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक पर्वतारोही की हो चुकी है मौत। बुलडाना में नेशनल हाईवे 6 पर गड्ढे बन रहे हैं हादसों का सबब। 1 महीने में 30 से ज्यादा घटनाएं आई सामने। 71 की जंग में जिसके सामने घुटने टेके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ऐसे जावाज जनरल की कहानी देखी है। दिल्ली में 3 दिनों तक चले ब्रिट्स ट्रेड फेयर का समापन। विदेशी कंपनीज ने पीएम की मेक इन इंडिया पहल का किया स्वागत। दिवाली और शादियों के सीजन से पहले सोने के दामों में गिरावट। ग्राहकों में लौटी खुशी। चंदू के परिजनों ने उनके जल्द लौटने की जताई उम्मीद। आज तक से खास बातचीत में बोले पाकिस्तान को करना चाहिए सैनिक का सम्मान। कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे छात्र ने चंबल नदी में कूदकर किया सुसाइड। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया वीडियो संदेश। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 3 महिला चोर चढ़ी पुलिस के हत्थे। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। 3 आरोपी फरार। राजस्थान के टोंक में सोने का सिक्का ढूंढने के लिए खुदाई में जुटे गांव वाले। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद उमड़ा हुजूम। स्वच्छता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन प्रशासन की नई पहल। स्कूलों में हाजिरी के दौरान बच्चों को बोलना होगा यस टॉयलेट या नो टॉयलेट। झारखंड के सिमडेगा में 3 बेटियों का कमाल। गरीबी और मुश्किल से जूझकर हॉकी के राष्ट्रीय अंडर-19 टीम में बनाई जगह। शुक्रवार से बंद हुई लखीमपुर खीरी और लखनऊ को जोड़ने वाली मीटर गेज की ट्रेन। मुसाफिरों ने दी भावभीनी विदाई। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो में फ्री वाईफाई सुविधा की शुरुआत। अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकेंगे रूट के मुसाफिर। ग्रेटर नोएडा में 42वें इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट का मेले का लाइफस्टाइल फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन के 2000 से ज्यादा उत्पाद मौजूद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नगर निगम के कर्मचारी का वीडियो वायरल। सतपुड़ा के जंगल में छोड़े करीब 300 सांप। रामनगर में नरभक्षी बाघिन को ढूंढने की कवायद जारी। तलाश में जुटी है वन विभाग की 15 टीमें। देखते ही मारने के आदेश। सिरसा में संत राम रहीम की फिल्म MSG द वॉरियर लायन हार्ट की कामयाबी का जश्न। समर्थकों ने लगवाया दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर। मुंबई की एक महिला ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब में दिया 1 किलो सोने का दान। करीब 32 लाख है कीमत। शिरडी में दशहरा उत्सव पर भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। 4 दिनों में 3 करोड़ 75 लाख का चढ़ावा। 3 तलाक पर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ बरेली में मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। सरकार को सद्बुद्धि के लिए दरगाह में मांगी दुआ। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान। शर्त कानून में बदलाव की नहीं है गुंजाइश।
विवादों में घिरा उदयपुर में चल रहा चौथा फिल्म फेस्टिवल, रोहित वेमुला से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर विवाद। पाक से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर नहीं हुई अब तक कोई चर्चा, उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर बुलाई स्पेशल जनरल मीटिंग, लोढ़ा पैनल की सिफारिश पर 17 को होनी है अगली सुनवाई। अनवल डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को दी है धमकी, मियांदाद से फिक्सिंग को लेकर चल रहा है शाहिद का विवाद, दाऊद के संबंधी है मियांदाद। पाक कलाकारों को हेमा की तो ठोक, कहा आप जहां काम करते हैं वहां आतंकी हमले की करनी चाहिए निंदा। भारत पाक रिश्तों में तनाव का असर, जयपुर में सूफी फेस्टिवल में पाक कलाकारों को एंट्री नहीं। प्रकाश झा की अगली फिल्म लिपस्टिक अंडमाई बुरका का टीजर हुआ जारी, महिलाओं की दबी हुई इच्छाओं पर है फिल्म। प्रियंका चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट में नो न्यूडिटी क्लॉज, कहा अंग प्रदर्शन को लेकर रहती हूं असहज। महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक में उनके बड़े भाई नरेंद्र का जिक्र नहीं होना, लोगों को खटक रहा है, नरेंद्र ने भी फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा किया दर्द। दिल्ली में फैशन वीक के तीसरे दिन एक्ट्रेस डिस्का चोपड़ा ने रैंप पर बिखेरा जलवा, कविता भारतीय के लिए किया कैटवॉक। डिजाइनर गौरी और नैनिका ने मॉडर्न वुमन की थीम पर पेश किया कलेक्शन, कलेक्शन में शॉर्ट्स से लेकर गाउन तक शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दो और महिलाओं ने की शिकायत, कहा ट्रंप ने की थी छेड़छाड़। खुद पर लगे आरोपों को ट्रंप ने बताया मनगढ़ंत, मैक्सिको के कार्लोस स्लिम को बताया जिम्मेदार। न्यूजर्सी में आज हिंदू अमेरिकियों की रैली को संबोधित करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, रैली से हुई आधी आय कश्मीरी पंडितों के लिए। थाईलैंड के ग्रैंड पैलेस में दिवंगत नरेश भूमि बोल को दी गई तोपों से सलामी, लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को हुआ था निधन। प्रिंस विलियम्स ने किया मैनचेस्टर में नेशनल फुटबॉल म्यूजियम का दौरा, पत्नी केट भी थी मौजूद। आलोचना के बाद पाकिस्तान ने डॉन अखबार के पत्रकार की यात्रा पर लगी रोक हटाई, सारे ले सरकार और सेना में मतभेद पर लिखी थी खबर। सीरिया टर्की सीमा पर कार बम धमाका, 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश का किया दौरा, दोनों देशों के बीच हुए 26 समझौते। चीनी सेना आधुनिकीकरण के लिए करेगी 3 लाख सैनिकों की छटनी, छटनी को लेकर शुरू हुआ विरोध। सेनेगल में बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के दागे गोले।